बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए होममेड मॉइस्चराइजिंग लोशन, यानी कि कैसे आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन और वो भी बगैर किसी केमिकल के आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में हर एक की जिल्द बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो ज़्यादा सर्द इलाके होते हैं उनमें ड्राइनेस की वजह से स्किन में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है। तो जब भी हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है या उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं तो हम मार्केट से डिफरेंट लोशन बाय करते हैं। ये लोशन बहुत सी कंपनीज बना रही हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेड भी हैं और कुछ लोकल बॉडी लोशन भी आते हैं। ज़्यादातर बॉडी लोशन जो है वो आपने देखा होगा कि जब भी आप उसको ज़्यादा देर तक स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है या उनमें बहुत से केमिकल्स डले होते हैं। आपको नहीं पता होता कि इसमें उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और जो इस पर मैंशन किए गए हैं इन्ग्रीडियंट्स, क्या वही इसके अंदर डाले गए हैं या इसके अलावा भी कोई केमिकल इसमें डाले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि ना तो आप अपनी स्किन को डैमेज करें, ना उसको ब्लैक होने दें और आपके ये क्रैक्स वगैरह और ये आपकी खुश्की वगैरह ड्राइनेस जो है ये भी ख़त्म हो जाए, इसके लिए आज हम आपको एक बॉडी लोशन घर में तैयार करने का तरीका बताएंगे जिसमें आप बआसानी अपने घर में ही एक लोशन तैयार कर सकते हैं वो भी बगैर किसी केमिकल के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें पहले नंबर पर मेरे पास एलोवेरा जेल है। ये एलोवेरा जेल वैसे तो मेरे घर में लगी हुई थी इसलिए मैंने इसका ताज़ा पत्ता उसमें से तोड़ लिया है। आप चाहें तो मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इसको प्रिजर्वेशन के लिए एक केमिकल यूज़ किया जाता है। बेहतर है आपको अगर ये नेचुरल कहीं से मिले तो आप इसका एक छोटा सा पत्ता ले लें। इसके बाद मेरे पास ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन ग्लोरियस कंपनी की है। इस टाइम मेरे पास ये जो है ये तकरीबन 50 ग्राम की एक बोतल है। ये आपको मार्केट से आसानी से 70 या 80 रुपए की एक बोतल मिल जाएगी। मैंने ये दो बोतल परचेज किए क्योंकि मुझे करीब से बड़ी बोतल नहीं मिली। इसके बाद मेरे पास है अरके गुलाब, ये 25 ml का अरके गुलाब है। ये मरहबा का है, ये ड्रॉपर फार्म में है मेरे पास, लेकिन ये वैसे भी लिक्विड फार्म में और बहुत से उसमें आ रहा है, स्प्रे फार्म में भी आ रहा है, लेकिन ये मुझे छोटा ज़रूरत था इसलिए मैंने ये छोटा बाय किया। ये 25 ml का आपको मार्केट से 30 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद मेरे पास ये कुछ कैप्सूल हैं। सबसे पहले इसमें ये विटामिन ई कैप्सूल है, इसके बाद वाइटनिंग कैप्सूल है और इसके बाद ये फिश ऑयल कैप्सूल है। तो मैं इनका आपको बता भी दूँ कि ये किस किस चीज़ के लिए मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये पहले नंबर पर जो एलोवेरा है, एलोवेरा आपने देखा होगा कि वैसे भी आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को जो है तरोताजा रखता है, उसमें जो ग्लोइनेस आती है उसके लिए भी है, मॉइस्चर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें दूसरे नंबर पर जो है वो ग्लिसरीन आती है। ग्लिसरीन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये आपकी जो क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं या आपकी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद अरके गुलाब है। अरके गुलाब आपने वैसे भी देखा होगा कि आप स्किन के लिए यूज करते हैं, लेडीज खासकर इसका यूज बहुत ज्यादा करती हैं, स्किन की फ्रेशनेस के लिए ये यूज किया जाता है। इसके अलावा मेरे पास ये वाइटनिंग कैप्सूल है। ये जो मैंने आपको जिक्र किया है कि लोशन आप जो यूज करते हैं ज्यादा अपनी स्किन पे तो आपकी स्किन जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, तो ये उसको वाइट करने के लिए इसमें मैंने कैप्सूल ऐड करने हैं, ये वाइटनिंग कैप्सूल। इसके बाद ये जो विटामिन ई कैप्सूल है, ये वैसे भी मैंने अपनी वीडियो में एक मैं आपको बताया था कि विटामिन ई किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसमें एक मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है विटामिन ई कैप्सूल पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे अपनी स्किन को जो है वो मजबूत करने के लिए, उसमें सही ग्लोनेस लाने के लिए ये यूज़ करेंगे। इसके बाद जो मेरे पास फिश ऑयल है, ये आपकी जिल्द को मजबूत करता है। ये भी वैसे सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ओरल भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ हम सिर्फ स्किन के लिए यूज़ करेंगे, वैसे ये बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चले मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक लोशन बना के उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स करनी है। पहले नंबर पर मैं ग्लिसरीन ले लेता हूँ जो मैं इसमें डालूंगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल ग्लिसरीन है इनकी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है। तो ये बनाने के बाद आप देखिएगा कि इसका जो लोशन होगा उसका एक तो कलर भी चेंज हो जाएगा और ज़्यादा थिक भी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, लोशन बनाने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा आपको मिलेगा। इसके बाद ये मेरे पास अरके गुलाब है, ये 25 ml का मैंने आपको बताया कि ये 25 ml है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। मैं इसको मेजर करके वैसे नहीं डाल रहा, अपने तौर पे आप डाल सकते हैं इसको जितनी जितनी आपको ज़रूरत हो या जितना जितना ये बनाना चाहते हैं उतना उतना आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्लिसरीन के बाद ये अरके गुलाब भी ऐड कर दिया है।
इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास वैसे तो डिस्पोजेबल चम्मच है, तो मैं इससे इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह। ये देख सकते हैं कि दो चीज़ें इन डालने से इसका कलर चेंज हो गया, जबकि ये पहले दोनों चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन अब इन दोनों का जो है कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसके बाद हम इसमें इनमें कैप्सूल्स ऐड करेंगे। तो मैं ये इसके लिए ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। आपने ब्लेड यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑफिस में और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तो मैंने ये 7 से 8 का ब्लेड जो है वो बाय कर लिया है। लेकिन आपने ब्लेड यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प है, आपके हाथ वगैरह काट सकते हैं। आपने कोई कैंची वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो ये मैं पहले इसमें जो है वो वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास ये 3 है, मैं इन तीनों को काट के इसके अंदर जो क्रीम सी होती है, क्रीमी फॉर्म में ये हैं आप देख सकते हैं, तो मैं इनकी क्रीम इसके अंदर ऐड कर लूँगा। इसके बाद ये मैं विटामिन ई के कैप्सूल डालूंगा, ये भी मेरे पास 3 है, मैं इन तीनों को काट के इसके अंदर डालूंगा। ये देख सकते हैं आज इसमें के लिक्विड है, ये ऑयली फॉर्म में है, तो इन तीनों को भी मैं काट, तो इसका जो ऑयल है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप अपने हिसाब से एक मकदार में उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतने इतने इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स भी थे, तो मैंने ये 3 काफ़ी है मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैं इनको 3 ही डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये विटामिन ई के कैप्सूल भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं ये फ़िश ऑयल के 3 कैप्सूल इसमें ऐड करूँगा। ये जो है सर्दियों में काफ़ी सख्त हो जाते हैं, आपने देखा होगा इसके अंदर भी ये ऑयल सा होता है, ये मैं निकाल के इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमने इसके अंदर तीनों कैप्सूल भी ऐड कर दिए, विटामिन ई भी ऐड किया है, वाइटनिंग भी ऐड किए और फिश ऑयल भी। इसके बाद हम इसको सही तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे पास डिस्पोजेबल चम्मच है, तो ये इसमें सही तौर पर ऐड ये इसमें मिक्स नहीं हो रहा। तो आपने कोई सॉलिड चीज़ लेनी है जिससे ये सही आपका मिक्स हो जाए। ये वैसे भी सर्दी में जो है ये दोनों क्रीमी कैप्सूल जो होते हैं ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं, इनकी क्रीम जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ये आसानी से आप देख सकते हैं इसमें मिक्स नहीं होगा। तो आपने कोई ऐसी सॉलिड चीज़ लेनी है जिससे ये सही आपका मिक्स हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसके मिक्स करने से ये इसके कलर भी वाइट होना शुरू हो गया है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। चलिए बाद में इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम ये एलोवेरा है मेरे पास, एलोवेरा को इसमें जो है अंदर से जेल निकाल के वो भी ऐड करेंगे। ये आपने इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये इसकी स्किन है, ये इसका जो ऊपर खाल सी है, ये आप उतार लें, ये बेहतर है आप किसी छुरी वगैरह से उतारें। मेरे पास तो इस टाइम यहाँ ऑफिस में और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तो मैंने आपके सामने जो है ब्लेड का इस्तेमाल किया है। आपने ब्लेड बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प है। तो मैं चम्मच चीज़ से इसमें से थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, आपने अपने हिसाब से इसमें से निकाल लेना है एलोवेरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही अभी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा निकाल लूँगा इसमें से। इसमें ये सही तौर पे निकल भी नहीं रहा इस चम्मच से। तो ये जितना हमें एलोवेरा चाहिए था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, इसमें डाल दिया। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस चम्मच के साथ। तो ये चम्मच के साथ, तो क्योंकि ये डिस्पोजेबल है और बहुत हल्की सी है, तो इससे नहीं मिक्स हो रहा। तो चलें इस पर ये कैप लगा के हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं। इस पर ये इसका ढक्कन लगा के इसको सही से शेक करते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि इसमें जो एलोवेरा है वो बिल्कुल फ्रेश है, तो ये इतना जल्दी आपका इसमें जो है वो मिक्स नहीं होगा। आपने सही तौर पर इसे मिक्स कर लेना है, उसके बाद ये आपका एक लोशन बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसको अपनी स्किन पर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं वैसे, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ को वैसे जो है इसमें, और इसको ऐड करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बिल्कुल, मैं देखें आप बिल्कुल हल्की सी जो है अपनी फिंगर को गीली करके इस पर लगा रहा हूँ, तो ये उसका आप देख सकते हैं रिजल्ट।
ये बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया है तो फिर भी मेरे ये आप देख सकते हैं कि हाथ पे ये कितने हाथ को मेरे इसको कवर कर लिया है, इसने मेरे कितने से जगह को कवर कर लिया है। बिल्कुल मैंने सिर्फ अपनी उंगली को थोड़ा सा गीला करके इस पे लगाया है तो ये तकरीबन मेरे हाथ का ऊपरी ऊपरी ऐसा पूरा इसने कवर कर लिया। और आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ के और यहाँ की स्किन में कितना डिफरेंस आ चुका है। ये आप इतना इसको थोड़ा सा और रब करेंगे तो ये ताकि आपकी स्किन में जो है वो सही तौर पर जज़्ब हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप सिंपल ग्लिसरीन इस्तेमाल करें तो या कोई और लोशन इस्तेमाल करें तो आपके हाथ में जो है वो चिपचिपाहट सी आ जाती है, वो चिपकना से आपके हाथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आपके हाथ देखें ना तो चिपक रहे हैं, ना ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं और ना ही ब्लैक हो रहे हैं। ये आपकी ड्राइनेस भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, आपकी स्किन को जो है जिल्द को जो है बिल्कुल नरम और मुलायम कर देता है। इसके बाद ना तो आपके क्रैक्स रहेंगे, ना ड्राइनेस नहीं रहेगी और ना ही आपकी स्किन को ये ब्लैक करेगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं कर रहा बल्कि आपकी स्किन को हल्का हल्का वाइट करना शुरू कर दिया है। देखें ये, यहाँ आप इस स्किन को देखें और यहाँ पे देखें, आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा। तो इस तरह आप अपने घर में चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ नेचुरल तरीके से एक मॉइस्चराइजिंग लोशन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन बन जाएगा आपका। तो आप इसको इन दो तीन चीज़ों से अपने घर में मिक्स करके बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस YouTube चैनल पे हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।